आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। वहां चुनाव प्रचार करने के बाद वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं, इस बार भारी बहुमत से दोनों जगह रामपुर में और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। अखिलेश जी आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन वहाँ भी नहीं गए और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, वो हाशिए पर है, रसातल की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। गुंडे माफिया मवाली तत्वों को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकारा। कई चुनाव में लगातार उनको मुँह की खानी पड़ी है, वो डूबता जहाज है। धीरे धीरे सभी नेता जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाजवादी पार्टी विखंडन की ओर है, समाप्ति की ओर है। शिवपाल जी इटावा में थे आज, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं उन्होंने उनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो क्या वो आशीर्वाद देने जाएंगे? आप जानते हैं कि वो पारिवारिक मामला है, सत्ता को लेकर कुर्सी को लेकर पूरे परिवार में विध्वंस की स्थिति है, उस बारे में हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं। सर एक और सवाल है कि अग्निपथ को लेकर एक योजना लाई गई, उसको लेकर कुछ शहरों में हम उत्तर प्रदेश के और देश के सभी नौजवानों से अपील करते हैं, भारत माता के हित में, भारत के हित में, सेना के हित में सभी लोग यदि चाहते हैं तो सेना को ज्वाइन करें। पूरी सरकार उनके साथ है, उनके हित की चिंता कर रही है और हम उनको इस बात का भरोसा दिलाते हैं हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। ये तो ऑप्शनल है, कोई आवश्यक नहीं है, आपके साथ परमानेंट जो स्थायी नियुक्ति है वो भी निकलेंगी। यदि किसी को सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होना है तो उसका स्वागत।